दोस्तों मेरे चैनल मनोज नोकिया क्रिकेट फैन में आपका स्वागत है। भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड के दौरे पर 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेल रही है। इस श्रृंखला का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 17 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला 3:30 पर शुरू होगा और यह मुकाबला इंग्लैंड के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले दोनों वनडे मैचों में दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीतकर दोनों टीमें बराबरी पर हैं। पहले वनडे मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी थी। जानना चाहते हैं पूरा अपडेट तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने पहले वनडे में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था और ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। भारतीय टीम के फास्ट बॉलरों के आगे इंग्लैंड की टीम ने घुटने टेक दिए। इंग्लैंड की पूरी टीम 25.2 ओवरों में 10 विकेट खोकर मात्र 110 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के 4 खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल सके और मात्र 0 के स्कोर पर पैवेलियन वापस लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों का आउट किया जबकि मोहम्मद शामी ने 3 विकेट अपने नाम किए। जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। 110 रनों का पीछा करने उतरी इंडिया की टीम ने यह लक्ष्य मात्र 18.4 ओवरों में ही पूरा कर लिया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने नामा 76 रनों की पारी खेली। दूसरे वनडे मुकाबले में भी रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 49 ओवरों में 10 विकेट खोकर 246 रन बनाए और जब भारतीय टीम खेलने आई तो कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका और पूरी भारतीय टीम 10 विकेट खोकर मात्र 146 रन ही बना सकी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर टॉपले ने 6 विकेट लेकर टीम इंडिया को धराशायी कर दिया। टॉपले को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। तीसरे मुकाबले को जीतकर दोनों ही टीमें सीरीज अपने नाम करना चाहेंगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सीरीज कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।